हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी खास वीडियो जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि पान खाने से शरीर की कौन से बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। जी हाँ, पान वैसे तो मुंह का जायका और माउथ फ्रेशनर का काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पान का सेवन करने से हमारे शरीर की काफी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके दोस्त आपको बताऊंगी कि पान का सेवन करने से आप किन किन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर वन, कफ को ठीक करने के लिए आप पान के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको खांसी है और बलगम और कफ आपको बहुत परेशान कर रहा है तो आप पान के पत्तों को एक ग्लास पानी के अंदर उबाल लीजिए और ये जब तक 250 ग्राम ना रह जाए या फिर आधे से आधा ना रह जाए तब तक इसे उबालिए और ठंडा करके इसका सेवन करिए। देखिएगा, आपका कफ धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। नंबर टू, गर्मियों के मौसम में अक्सर शरीर से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है, जो कि हमें तो परेशान करती ही है बल्कि हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी बहुत परेशान करती है। इसीलिए उस दुर्गंध को दूर करने के लिए भी आप पान के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 पान के पत्तों को 2 कप पानी के अंदर उबालें और जब पानी 1 कप रह जाए तो इसे ठंडा करके दोपहर के समय इसका सेवन करें। ऐसा करने से शरीर में आने वाली दुर्गंध धीरे धीरे कम हो जाएगी। नंबर 3, अगर आप जलने के घाव को ठीक करना चाहते हैं तो आप पान के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पान के पत्तों को पीस कर जले हुए घाव पर लगाने से काफी आराम मिलता है। नंबर 4 है नक्सीर। गर्मियों के मौसम में अक्सर बच्चों की नक्सीर फूट जाती है। नक्सीर फूटने का मतलब होता है नाक से खून आना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पान के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पान के पत्तों को अच्छे से रोल आउट करके उन्हें सूंघे। ऐसा करने से नक्सीर में आपको काफी फायदा मिलेगा। नंबर 5 है छाले। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो आपको पान को चबाना चाहिए। पान चबाने से छालों में काफी राहत मिलती है। पान चबाने के बाद पानी से कुल्ला कर लीजिए। ऐसा करने से आपके मुंह में गंदगी भी नहीं रहेगी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, वो पान जो कि आप अक्सर मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए खाते हैं उससे आप कई रोगों को भी दूर भगा सकते हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए।